तो गाइस आज हम लोग सीखेंगे एक सॉकेट का कनेक्शन और एक स्विच को कैसे कनेक्ट करते हैं, ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर गाइस सॉकेट में क्या होगा, तीन टर्मिनल रहेगा। यहाँ पर सबसे ऊपर वाला जो है ये वाला अर्थिंग का है, और यहाँ पर गाइस यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एल लिखा हुआ है गाइस, ठीक है। तो एल वाला हो गया लाइन के लिए, और यहाँ पर एन लिखा हुआ है यानी कि ये हो गया न्यूट्रल पॉइंट के लिए, ठीक है। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, स्विच इस स्विच से गाइस इस वाले सॉकेट को हम लोगों को कनेक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को एक वायर की जरूरत है, हम लोग यहाँ पर 1 mm कॉपर वायर की यूज करेंगे गाइस। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो जो ये लाइन है गाइस, इस लाइन पे गाइस यहाँ से बिल्कुल स्विच की जो ऊपर वाला टर्मिनल है इनमें एक माप लेकर गाइस एक वायर को हम लोग काटेंगे, और उसके बाद इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो गाइस आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये हो गया वायर, तो हम लोग यहाँ पर गाइस अभी इसको मापेंगे, यहाँ से यहाँ तक गाइस हम लोगों को इतना ही वायर का प्रोविजन है, मतलब इतना ही वायर का यूज करेंगे। ज्यादा यूज करने से बहुत ज्यादा मतलब बोल्ट में वायर हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा गंदगी दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो गाइस हमने काट लिया है वायर को, तो यहाँ से गाइस हम लोग इस वाले पॉइंट से हम लोग कनेक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले वायर को नेकेट कर लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हो वायर कितना बढ़िया से नेकेट हो गया है। तो इस वाले पॉइंट पे भी हम लोगों को नेकेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर थोड़ा टाइट कर देते हैं, अभी यहाँ पर भी थोड़ा टाइट कर देंगे। तो अभी क्या करेंगे गाइस, इनमें हम लोग टेस्टर से गाइस यहाँ पे ये जो लाइन का सॉकेट का जो लाइन पॉइंट है इसको हम लोग सीधा थोड़ा खोल लेंगे, और यहां से गाइस ये वाला ऊपर का टर्मिनल जो है इनको भी हम लोग खोल लेंगे। तो अभी गाइस हम लोग सीधा सीधा क्या करेंगे, ये जो टर्मिनल है यहां से हम लोग कनेक्ट कर लेंगे, जो सॉकेट है इसका एल में कनेक्ट करके हम लोग क्या करेंगे गाइस, स्विच की जो ऊपर वाली हिस्सा है, ठीक है, तो इसमें हम लोग कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस पूरा कनेक्ट हो गया है, अभी टाइट करना बाकी है। यहाँ पर गाइस पूरा प्रॉपरली टाइट हो गया है, और अभी हम लोग क्या करेंगे, इस वाले जो टर्मिनल है ठीक है इसमें हम लोग फेस कनेक्शन को जोड़ेंगे, और यहाँ पर न्यूट्रल कनेक्शन को जोड़ेंगे, और यहाँ पर गाइस अर्थिंग को जोड़ेंगे। तो अभी गाइस हम लोग जो हम लोग अंडरग्राउंड बोर्ड पहले से फिटिंग कर चुका हो, और यहाँ पर मतलब जो अंडरग्राउंड बोर्ड फिटिंग किया है उनमें वायर पहले से ही डाला हुआ है, तो अभी क्या करेंगे हम लोग कनेक्ट करके देखेंगे। तो गाइस ये हो गया हमारा 3-way बोर्ड, जो कि हमने गाइस इस वाले के लिए ये वाला बोर्ड मतलब फिटिंग किया था, ठीक है। इसको अभी हम लोग गाइस पूरा इस वाले बोर्ड पे फिटिंग करके देखेंगे गाइस, ये जो मतलब हम लोगों ने एक सर्किट मतलब एक सर्किट हो गया ये, ठीक है, एक सर्किट बना है, इसको हम लोग यहाँ पर लगा के देखेंगे। और यहाँ पर जो फेस न्यूट्रल और ये वाला जो अर्थिंग है तो इसमें भी हम लोग कनेक्ट करके देखने वाले है। सबसे पहले गाइस हम लोगों को तो वायर को नेकेट करना पड़ेगा, तो अर्थिंग नेकेट हो गया, यहाँ पर जो ये मेन लाइन के लिए हम लोगों ने ब्लू का यूज किया है, ब्लू वेयर का, ये भी नेकेट हो गया, और यहाँ पर न्यूट्रल जो है इसको भी हम लोग नेकेट कर लेते हैं। तो अभी गाइस थोड़ा सा घुमा फिरा के हम लोग टाइट कर लेते हैं पहले, तो अभी यहाँ पर प्रॉपरली टाइट हो गया है, बहुत ज्यादा लंबा लंबा हो गया इसलिए थोड़ा थोड़ा काट कर देंगे। यहाँ पर प्रॉपरली हो गया है, तो अभी हम लोग यहाँ से कनेक्ट करके देखने वाले हैं गाइस। तो ये हो गया हमारा मेन लाइन, ठीक है, तो पहले इसको दिखाता हूँ, ये हो गया हमारा मेन लाइन, तो ये हो गया हमारा स्विच का ऊपर वाला हिस्सा से सॉकेट की एल लाइन तक मतलब कनेक्शन हो गया है। तो अभी नीचे वाला जो पॉइंट रहता है स्विच का ये फेस के लिए होता है, तो इसको भी हम लोग अभी थोड़ा खोल लेते हैं। तो अभी क्या करेंगे गाइस, ये जो फेस का पॉइंट है ये हम लोग इधर डाल देंगे और इसको प्रॉपरली टाइट करने वाले हैं। ध्यान रहे गाइस ये जो टाइट है
बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो स्पार्किंग का प्रॉब्लम रहता है, मतलब आता है, मिलता है देखने के लिए। तो अभी गाइस हम लोग आर्थिंग पॉइंट को हम लोग जोड़ेंगे, जो सॉकेट की सबसे ऊपर वाली हिस्सा रहता है ना गाइस, वो आर्थिंग के लिए होता है, तो इसमें हम लोग आर्थिंग कनेक्ट करेंगे अभी। तो यहाँ पर गाइस प्रॉपरली टाइट होना जरूरी है, तो यहाँ पर आर्थिंग भी हो गया है, तो अभी बचा हुआ है सिर्फ एक न्यूट्रल, तो इसको भी हम लोग यहां से कनेक्ट कर लेंगे। तो ये हो गया है हमारा अभी न्यूट्रल का पॉइंट, इसको भी हम लोग जोड़ दिया, अभी इसको टाइप करना बाकी है, तो अभी इसको टाइप कर रहा हूं। ये भी हमारा पूरा प्रॉपरली हो गया है, तो अभी इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे लगा के बिल्कुल फिट करने वाले हैं, और इसको हम लोग करंट सप्लाई देने के बाद यहाँ पर टेस्ट करके देखेंगे आने वाले वीडियोस में। तो गाइस अभी इसको हम लोग प्रॉपर तरीके से पूरा फिटिंग करने वाले, तो ये हमारा हो गया इस बोर्ड के साथ आता है स्क्रू, तो इसको हमने इधर लगा दिया अभी, और दूसरे जो नॉट है इसको भी हम लोग इधर लगा देंगे पहले। तो अभी गाइस हम लोग सीधे सीधे टाइप करने वाले हैं। थोड़ा एडजस्टमेंट करके हम लोग यहाँ पर प्रॉपरली टाइप कर देंगे। एक स्क्रू हमारा टाइट हो गया है, अभी दूसरे को करना बाकी है, तो इसको भी हम लोग कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पर पूरा प्रॉपर तरीके से टाइट हो गया है, इसका जो अभी ऊपर वाला जो प्लेट है इसको हम लोग लगा के देखने वाले हैं कैसे दिखता है। तो गाइस अभी ये जो प्लेट है इसके ऊपर लगने वाला है, तो इसको हम लोग लगा के देखेंगे कैसे दिखता है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कितना बढ़िया लुक आ रहा है, पूरा फिनिशिंग के साथ हो गया है, बिल्कुल आप भी ऐसे कर सकते हो, बहुत ज्यादा टाफ भी नहीं है, इजी है गाइस।